कि संघर्ष, बिना संघर्ष की कोई भी कहानी सुनी आज तक कि बिना संघर्ष के कोई चमक गया? और जो बिना संघर्ष के चमकता है ना, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। दैट इज नो मोर वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड, यानी उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। इफ यू वांट टू बी रिनॉन्ड, यू वांट टू बी फेमस, यू वांट टू बी अप्रिसिएटेड, यदि ये चीजें आप चाहते हैं कि आप प्रशंसा के पात्र बने, तो अपने दम पर, अपने बल पर कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। आप क्रेडिट चाहते हैं ऐसे ही? आपको क्या लगता है कितने बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, हम ना, हमारा दोष है, हमारे नियति का दोष है, डेस्टिनी का दोष है, हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं जमा करके रखे लाखों करोड़ों, हमारे पास भी यदि रहता तो हम भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाते, ऐसा हो जाता। तो चीजें ऐसी नहीं होती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अपने माँ बाप का क्यों दोष देते? पता है आज के जनरेशन की समस्या क्या है? सब कुछ जल्दीबाजी में चाहिए और सब कुछ अपने अनुसार चाहिए। वो किसी के अनुसार नहीं चलेगा। बस हम जैसे चाहते हैं वैसे सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो हो जाए। क्या आर यू थिंक दैट यू आर इनकार्नेशन ऑफ गॉड? क्या भगवान के अवतार हो? भगवान के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था, उन्हें भी डेस्टिनी के साथ जो है समझौता करना ही पड़ा था। कॉम्प्रोमाइज इज द ओनली ऑप्शन एंड हार्ड वर्क, इसके साथ ही आप चल सकते हो जीवन में। यदि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ फेट यानी डेस्टिनी से ही सब कुछ मिल जाता है, भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है, तो फिर कर्म, कर्मा क्यों कहा गया? कर्मा इज द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो शक्तिशाली ताकतवर चीज है वो कर्म है। कर्म हमें करना ही होगा, किसी भी हालात में हो आप उस स्थिति में नहीं तो उससे कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म करते रहिए। एंड द प्रॉपर वे, सही तरीका होना चाहिए उसको करने का। ये नहीं कि हम इम्प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। और सक्सेस कितना छोटा वर्ड है ना, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही बड़ा होता है। और यदि आप समझ पाएं तो शायद आप अभी भी सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं। लेकिन समस्या हमारे सामने ये आती है कि हमें डर लगने लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हम अब जो है हार रहे हैं, वी आर लूजिंग। सो कितने लोग तो गिव अप कर देते हैं और कितने लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो आए दिनों हम जो है घटनाएं सुनते रहते हैं, सुसाइड वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? नॉट ए गुड स्टेप, इवन Not for your parents, not for your friends, not for your society. किसी के लिए अच्छी बात हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है? संघर्ष ही तो जीवन है। एक चींटी जब चलती है तो उसे हर पल डर होता होगा। पता है हमारे लिए बाढ़ बहुत बड़ी चीज होती है। आपने कभी इमेजिन किया? हमने किया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि उस चींटी के लिए यदि एक लोटा पानी भी गिरा दिया जाए तो उसके लिए बाढ़ के समान होता है। तो उसके लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल है, आप कभी सोचे? क्या उससे ज्यादा स्ट्रगल है आपका? वो एक चीनी के दाने को उठा तक नहीं सकती, लेकिन खाने के लिए उसे ले जाना होता है, उसे तोड़कर जैसे करके उसे ले जाना होता है। स्ट्रगल इस लाइफ क्यों खा जाता है? मूर्ख थोड़ी है लोग, आप मूर्ख नहीं है। समझिए सक्सेस क्या है। सक्सेसफुल ऐसे हो जाता है, इतना आसान है। सक्सेसफुल सब कोई हो जाता है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार परिस्थितियां अलग होती है। पुरानी पौराणिक कथाएं सुनते हैं आप कि संघर्ष, बिना संघर्ष की कोई भी कहानी सुनी आज तक कि बिना संघर्ष के कोई चमक गया? और जो बिना संघर्ष के चमकता है ना, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। दैट इज नो मोर वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड, यानी उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। इफ यू वांट टू बी रिनॉन्ड, यू वांट टू बी फेमस, यू वांट टू बी अप्रिसिएटेड, यदि ये चीजें आप चाहते हैं कि आप प्रशंसा के पात्र बने, तो अपने दम पर, अपने बल पर कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। आप क्रेडिट चाहते हैं ऐसे ही? आपको क्या लगता है कितने बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, हम ना, हमारा दोष है, हमारे नियति का दोष है, डेस्टिनी का दोष है, हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं जमा करके रखे लाखों करोड़ों, हमारे पास भी यदि रहता तो हम भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाते, ऐसा हो जाता। तो चीजें ऐसी नहीं होती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अपने माँ बाप का क्यों दोष देते हैं? हाँ, मैं भी दोष देता था। एक समय था ऐसा जब मैं अपने बैड लुकिंग मेरी जो ये मेरे पास जो ये चेहरा है, हर चीज़ के लिए, मेरी हाइट, उसके लिए मेरे हेयर्स, हर चीज़ के लिए मैं ब्लेम करता था अपने फादर को, अपने मदर को, अपने डेस्टिनी को। लेकिन देयर इज नो मोर नाउ। जब एक आप समझदार की तरह सोचते हैं ना, तो ये सब बातें कभी नहीं करते हैं और ना ही कोई तब गलत फैसला लेते हैं। तो ध्यान रहे, समझदारी दिखानी होगी हमेशा, इट इज मस्ट, क्योंकि इसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हर जगह जरूरी होता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, ये तो यह दुनिया ही है। यहाँ पर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर तो हर कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ दिखाना चाहता है। कोई नीचा दिखाना चाहता है, कोई अच्छा दिखाना चाहता है, कोई खुद अच्छा दिखना चाहता है। तो चीजें ये है, यानी
एक रेस बन चुका है, यह दुनिया अब जो है एक रहने की जगह नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा बन चुकी है। और इस प्रतिस्पर्धा में कब किसे कौन लात मार दे, कब कौन किसे गिरा दे, कब कौन किसके पैर खींच ले, तो इन सब चीजों को आप फेस करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन सब से भी जो ऊपर उठकर आगे बढ़ेगा वही जो है सफलता के एट द हाइस्ट पीक ऑफ द सक्सेस ही विल गेट, उसे मिलेगा, वो प्राप्त करेगा और सफलता के रस को चखेगा। दैट्स इट। और हम ये नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेक एटलीस्ट ए गोल इन योर लाइफ, अपने जीवन का एक उद्देश्य रखिए, बिना पैंदी का लोटा नहीं बनिए, कहते हैं ना इधर से उधर। मतलब यदि खुद आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं होंगे तो वो गॉड जो ऑलमाइटी गॉड है या फिर आपका जो फेट है, आपकी जो नियति है, आपका जो भाग्य है, वो कैसे डिसाइड कर पाएगा आपके लिए कुछ अच्छा। जब आप खुद अपने लिए नहीं सोच सकते हैं तो भाग्य आपके लिए कैसे सोचेगा, उसी पर आपको उसके लिए आपके लिए उसको नहीं सोचना है। तो कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं वही भगवान उन्हीं की मदद करते हैं। और भगवान हो ना हो ये तो दूर की बात है, ईश्वर या अल्लाह ना हो अलग बात है, एक अपने इनिशिएटिव तो लीजिए, नहीं हमें ट्राई करना है, वी शुड कीप ट्राइंग एंड वी विल नेवर गिव अप, हम कभी छोड़ेंगे नहीं, बस करते रहेंगे प्रयास। और इस तरीके से ही सफलता को पाया जा सकता है, आजमाया जा सकता है, प्रयास कीजिए एंड आई होप यू विल गेट द that happiness. Thank you for watching the video. If you loved it, then comment your opinion and share me with your friends. Thank you for watching.